so I think that we are live right are we live hmm, I think that we are live so guys just give me a thumbs up if I am live live है I think that के live hai है hey everyone 11 बजे कोई live आता है क्या हाँ जी मैं आता हूँ क्या करू किसी और टाइम पे मौका नहीं मिलता तो इसी टाइम पर आते हैं हे गाइस एवरीवन चलो फटाफट यार जल्दी जल्दी मैं स्टार्ट कर दूं बता दूं कि बुक में मुझे बुक से रिलेटेड क्या क्या बातें पॉइंट आउट करनी है सो so, यार भाई एक सेकेंड लेट मी सी दैट के वेर इज द चैट बॉक्स वेर इज द चैट बॉक्स वेर इज द चैट बॉक्स जस्ट लेट मी सी द चैट बॉक्स गाइस लेट मी सी द चैट बॉक्स बिट ऑफ यस सो इज देयर ओके सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड है ना जाओ देखो मैं बता रहा था बुक के बारे में मुझे बतानी थी कि बुक कितनी यूजफुल है इससे रिलेटेड जो डाउट्स कॉमन डाउट्स आते हैं वो मैं फिनिश करना चाहता हूँ बुक so, रिव्यू की जो सीरीज है मैंने क्यों चलाई है बुक रिव्यू की सीरीज इसीलिए चलाई है क्योंकि भाई ये चैनल है ओलंपियाड वाले स्टूडेंट्स का तो ओलंपियाड वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन बुक का यूज करें यहां पर आए हमसे गाइड होने के लिए तो कोई परफेक्ट कॉम्बिनेशन यूज करें मैं ये चाहता हूं और इंडिविजुअली हर बुक की कमियां भी जान लें और इसकी जो अच्छाई है हमारी नज़र में देखिए हर हर पढ़ाने वाले की नज़र में कोई दूसरी बुक अच्छी हो सकती है कोई दूसरी बुक अच्छी हो सकती है तो यहाँ पर जो भी मैं बता रहा हूँ वो मेरे अपने व्यूज़ हैं किसी को बायस नहीं करना ना मैं चाहता हूँ कि आपको बायस करूँ बट ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पर आए हैं हमारी गाइडेंस अगर चाहिए या हमें देखने के लिए आए हैं हमारे हमारे तरीके को देखने आए हैं पढ़ाने के तो भाई हम अपने व्यूज़ ऑब्वियसली आपके सामने रख रहे हैं और ये एन अवस्थी का जो रिव्यू है इसमें हम क्या क्या देखने वाले क्या डिस्कस करने वाले हैं तो बेसिक जो क्वेश्चंस होता है क्या ये बुक सफिशिएंट है जेई के लिए क्या ये बुक सफिशिएंट है नीट के लिए क्या ये बुक सफिशिएंट है जेई एडवांस के लिए क्या ये सफिशिएंट है ओलम्पैड के लिए ये सब बेसिक क्वेश्चन है ना ये सब बहुत, बहुत ज्यादा ये सब बेसिक क्वेश्चन है और क्या इस बुक में कोई कमी है क्या ये बुक बहुत अच्छी है इससे इसके टक्कर की कोई बुक नहीं है ये सब डाउट्स ठीक है चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट जिसको कि मुझे डिस्कस करना है वो ये वट वी वॉन्ट फ्रॉम अ फिजिकल केमिस्ट्री बुक लुसिड थ्योरी एंड ऑल द लेवल्स ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस ये चाहिए होता है हमें बट है क्या कि देर इज नो थ्योरी इन दिस बुक तो एन एवस्टी बुक जो है वो थ्योरी के लिए नहीं है ये पता है सबको ये कल भी जब मैं डिस्कस कर रहा था तो हमने डिस्कशन किया था भाई थ्योरी तो है नहीं तो क्या थ्योरी नहीं है तो क्या ये बुक काम की नहीं आ रही यार ऑब्वियसली ये बुक अपने आप में क्या लेजेंड है बुक है भाई क्यों क्योंकि प्रॉब्लम्स का कलेक्शन बहुत बढ़िया है और पता है प्रॉब्लम्स का कलेक्शन कैसा है ग्रेजुअली जीरो लेवल से लेवल वन में जाएंगे बिल्कुल क्वेश्चन मिलेंगे स्टार्टिंग में और फिर आज धीरे धीरे इस बुक की सबसे अच्छी बात है ग्रेजुअली जो लेवल वन का जो लेवल है ग्रेजुअली बढ़ा है हाँ कुछ जगह पर ऐसा है कि बढ़ा है फिर गिरा भी है ऐसा भी है बट लेवल वन इज ऑलवेज फॉर दोस्ट हु वॉन्ट

अंदर से जो मतलब स्टूडेंट्स को जो अपनी तरफ से प्रॉब्लम्स देनी पड़ते हैं एक्स्ट्रा उसका रीज़न ये होता है कि कुछ जगह पर बुक में और भी प्रॉब्लम्स होने चाहिए थे नहीं है कहाँ पर हैं कहाँ पर नहीं है वो मैं बताता हूँ डिस्कस करते हैं मैंने कुछ और भी पॉइंट्स रखे हुए देखते हैं क्या डिस्कस कर रहा था मैं इस दिस अ बेस्ट बुक फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है कि क्या ये बुक बेस्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग में मेरा कहना है कि कल समझाया था मैंने कि बेस्ट बुक का क्या मतलब होना चाहिए चलिए आप पूछ रहे हैं कि नहीं बेस्ट बुक हम थ्योरी के अकॉर्डिंगली थोड़ी ना पूछ रहे हैं हम तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली पूछ रहे हैं हमें बताओ सारी प्रॉब्लम बुक में क्या ये बेस्ट बुक है तो मेरा कहना है कि दोस्त बेस्ट बुक मतलब तुम यही कहना चाह रहे हो ना कि इसे सॉल्व करके क्या हम जेई पास कर सकते हैं क्या हम नीट पास कर सकते हैं क्या हम ओलंपियाड में जा सकते हैं क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा होना चाहिए नहीं तो ये जब क्वेश्चन आता है ना किसी स्टूडेंट के सामने से स्टूडेंट जब ये पूछते हैं क्या ये बेस्ट बुक है मुझे लगता है कि अभी ना आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और आपको समझ नहीं है बेस्ट बुक का क्या मतलब होता है जो आपका फाउंडेशन बिल्ड करे जो आपके लेवल को ग्रेजुअली अप करे ये होता है ना देखिए ये बुक प्रॉब्लम सॉल्विंग में और जैसा मैंने बताया बहुत अच्छी बात किया बुक की कि, इन्होंने जो अरेंजमेंट किया है ना क्वेश्चन का वो बड़ा बढ़िया है बहुत अच्छा है ग्रेजुअली ऊपर की तरफ गए हालांकि हम और भी ज्यादा अच्छे से बुक में क्वेश्चंस को अरेंज कर सकते थे बट अभी बाकी दो दू, दूसरी जो बुक्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की मैं ये मानता हूं बुक बहुत हैंडी है बुक में ग्रेजुअली हर चैप्टर में ग्रेजुअली लेवल वन में क्वेश्चंस को अरेंज करने की कोशिश की गई है ग्रेजुअली लोवेस्ट जो जो प्रॉब्लम जो सबसे आसान होते हैं वहां से उठा करके ऊपर की तरफ ले गए फिर बाद में बुक में लेवल टू भी ऐड किया गया लेवल टू जो जेई जेई वाली जो बुक है उसमें लेवल टू रखा गया है जेई एडवांस को ध्यान में रख करके है ना लेवल टू जो जे जो जे से हट करके जो नीट की बुक है उसमें जो लेवल टू वगैरह है वो लेवल टू जो है वो नीट के एग्जाम्स के उसी के तो बुक बेस्ट है क्वेश्चन थोड़ा ढंग से पूछे बेस्ट बुक अगर आप बोलना चाह रहे कि इससे अच्छी कोई प्रॉब्लम बुक नहीं है तो मैं ये कहूंगा कि हो सकता है देखिए एक दो बुक और है जिनमें प्रॉब्लम्स और अच्छी भी हैं बट ना वो जो हम चाहते हैं कि हमारा बेसिक से एडवांस के लेवल पर जाए वो अरेंजमेंट यहाँ पर बहुत अच्छा है और भी बुक्स हैं बट मेरी नज़र में अगर बाकी बुक के कॉम्पे कोई ये पूछता है कि क्या मैं एन अवस्थी लूँ और दूसरी बुक ना लूँ तो मेरा कहना होगा देखो आप दूसरी बुक भी ले सकते हो दो बुक भी बना सकते हो बट अगर सिर्फ एक बुक बनाना है और कोई भी बंदा एक बुक बना करके प्रॉब्लम प्रॉब्लम की कोई एक बुक बना करके भी आप बहुत अच्छी रैंक बना ला सकते हैं यह सब मत सोचिएगा कि मैं एक ही प्रॉब्लम बुक क्यों बनाऊं एक से ज्यादा प्रॉब्लम बुक भी बना सकता हूं अपना कोचिंग मटेरियल भी बना सकता हूं और अपने टीचर का मटेरियल भी बना सकता हूं सब बना सकते हैं आप और सब बनाइए सब, सब बना करके बहुत अच्छा रैंक ला सकते हैं एक बुक बना करके भी आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं क्यों कल भी समझा रहा था मैं बिकॉज के रैंक आपकी डिपेंड करती है ऑन द एफर्ट दैट यू पुट इन द क्वेश्चन समझ रहे ना क्वेश्चन पे जो आप एफर्ट डालते हैं उससे रैंक बनती है आपकी तो ये नहीं है कि आप आप किसी इस कोचिंग का मटेरियल बनाएंगे तो रैंक नहीं आएगी उस कोचिंग का बनाएंगे तो नहीं आएगी ऐसा तो कुछ होता नहीं है हाँ कुछ मटेरियल्स अपने आप में क्या होते हैं भाई जीरो लेवल से चलते हैं बेसिक से एडवांस तक जाते हैं और बहुत अच्छा ग्रेजुअल इंक्रीज होता है और वो चीज़ बहुत अच्छी है किसी मटेरियल में ऐसा ही होना चाहिए तो अपने आप में क्या है बुक बुक का सेटिस्फैक्शन एक अलग होता है मटीरियल अपने आप में बहुत अच्छा हो सकता है किसी भी कोचिंग का बट मैं बार बार बोलता हूँ बुक का सेटिस्फैक्शन अलग होता है और सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि बुक का भी उनके पास रहे सॉल्विंग का नहीं तो स्टूडेंट ऐसे भी हुए जिन्होंने बुक नहीं यूज की है सिर्फ कोचिंग का मटेरियल पढ़ करके भी रैंक बनाई है अब यहां पर इस एपिसोड में हमारा काम क्या है भाई बुक का रिव्यू करना बुक के रिव्यू का मतलब है कि क्या बुक सही है कौन कौन से एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं क्या बुक में कोई ड्रॉबैक है और क्या सुधार हो सकते हैं बुक में बुक यूज कैसे करें ठीक है इन सब बातों का डिस्कशन है

हमेशा हमेशा ये काम कीजिए एक ही बार में ढेर सारे सोर्सेज ओपन मत कीजिए माइंड बॉगलिंग हो जाएगी आप परेशान से हो जाएंगे कुछ भी खत्म नहीं होगा और ना खत्म होने का चैप्टर ना खत्म होने का जो का जो आ, की जो आग होती है ना वो खा जाती है तो चैप्टर ना खत्म हो ऐसा ऐसी ना बनने दो पहले एक बुक से चैप्टर को फिनिश कर लेते हैं तो अगर कोई स्टैंडर्ड बुक चूज करनी है प्रॉब्लम की मेरी नजर में होगी क्यों सबसे बड़ा एडवांटेज बुक का बुक ने ग्रेजुअली अपने आप प्रॉब्लम्स को अरेंज किए हैं और बुक में सारे सेक्शन हैं और ढंग के क्वेश्चन डाले हुए हैं कोई बंदा नीट के लिए प्रिपेयर कर सकता है नीट की सेपरेट बुक आती है वो भी ढंग की है थोड़ा ड्रॉबैक है मैं बताता हूँ क्या ड्रॉबैक है बट फिर भी बाकियों से मुझे बेटर लगता है देखिए इस बुक में क्वेश्चंस जो गलत क्वेश्चंस है जिनके आंसर्स गलत है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है ये भी बहुत अच्छी बात है मतलब कई सारे बुक ऐसे हैं मार्केट में जिनके कि ना जिनके अंदर आपको दिखेंगे कि क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत गलत हैं आप परेशान हो जाते हैं। इस बुक में वो चीज मिनिमम है सारी बुक्स को देखने के बाद इस बुक की बहुत अच्छी बात क्या क्या है ग्रेजुअली प्रॉब्लम्स को अरेंज किया गया है कुछ जगह पर बहुत अच्छे से ग्रेजुअली अरेंज नहीं है बट चलिए बाकी बुक्स ग्रेजुअली अरेंज ज्यादा अच्छे से है। क्वेश्चंस को रखा गया लेवल वन लेवल टू में डिवाइड करके रखा गया अलग अलग टाइप्स आपको समझ में आए वैसा तो चलो और भी बुक्स में ऐसा किया जाता है बट यहां पर है कि हाँ लेवल टू मतलब हाँ लेवल टू का के क्वेश्चन ऑन एन एवरेज लेवल से अच्छे ही है ये अच्छी बात है फिर लेवल थ्री है जिसमें मल्टीपल करेक्ट है जिसमें इंटीजर है वो भी अच्छी बात है भाई वहां पर भी क्वेश्चंस में जो सेक्शन में जो बात जो क्वेश्चंस लिखे गए हैं वो अकॉर्डिंग टू वही थोड़ा सा कुछ है ड्रॉबैक्स वो भी मैं डिस्कस करता हूं बट अपने आप में अगर आपका आप आपको ये लगता है के बेस्ट बुक की उपाधि देनी है किसी को मतलब वैसी बुक जिसको के हाथ में लेकर के मैं ये कह सकूं भाई मैंने ये बुक बना ली तो सफिशियंट होगा मेरे जेई एग्जाम के लिए सफिशियंट होगी ये बुक मेरे नीट एग्जाम के लिए सफिशियंट होगी जय एडवांस के लिए सफिशियंट होगी कि नहीं होगी ये क्वेश्चन मार्क है मैं इसको डिस्कस करता हूँ जेई मेन्स के लिए जई नीट्स के लिए तो हमेशा ही बुक सफिशियंट है नीट के लिए नीट वाला वर्जन सफिशियंट है जेई के लिए जेई वाला वर्जन सफिशियंट है मुझे ये डिस्कस करना क्या जेई एडवांस के लिए सफिशियंट है वहां पे मैंने अभी क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ मैं अभी जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ क्या ये ओलम्पियाड के लिए है सफिशियंट यहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं ठीक है तो बुक को आप बाकी जेई मेन्स और नीट के लिए आप बोल सकते हैं बेस्ट है एक दो जगह पे कुछ गड़बड़ियां कुछ कमियां हैं वो भी डिस्कस करता हूं मैं तो मैं क्या कर बेस्ट बुक फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर हाँ ये क्वेश्चन कि क्या ये बेस्ट बुक है नीट के लिए जेई के लिए ओलंपियाड के लिए तो भाई मैंने नीट के लिए बोला एकदम परफेक्ट है

तो एप्लीकेशन पर जब आपको अप्लाई करने क्वेश्चंस क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट आ जाते हैं फिर आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे काम करो ना फिर आप जो है क्वांटिटी पर काम करो ना बट क्वालिटी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी ना तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन और जो एवरेज जो इंपॉर्टेंट जो चाहिए आपको जो प्रैक्टिस का जो प्रैक्टिस के लिए जो एक एडिक्यूट अमाउंट चाहिए क्वेश्चन का वो नीट के लिए भी नीट वाले वर्जन में सही है। अच्छा है बट हां वैसे नॉर्मली क्या होता है कि नीट के जो बुक्स होती है नीट की बुक्स में ढेर सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं कुछ भी अटपटांग अट, भी दिए हुए रहते हैं और बहुत इजी इजी भी दिए हुए रहते हैं देखिए याद रखिए अगर आप ऊपर की रैंक लानी है अगर आप चाहते हैं कि नीट में वैसा स्कोर हो कुछ सिक्स एट्टी प्लस सेवन हंड्रेड टाइप वैसा जो स्टूडेंट्स आजकल जो लाते हैं एग्जाम्स में नीट में जो हाई स्कोरिंग चला जाता है वो भाई उसके पीछे उनकी प्रैक्टिस अच्छे क्वेश्चन पर जो होती है वो है अच्छे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस इससे स्पीड एक्यूरेसी दोनों आती है टाइम के साथ पहले एक्यूरेसी आती है स्ट्रेंथ आता है मेंटल स्ट्रेंथ आता है अच्छे क्वेश्चंस को करने से जिसकी बात मैं कर रहा था कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी तो अच्छी क्वेश्चन हर जगह जरूरी है वो नीट के लिए भी जरूरी है वो जेई के लिए भी जरूरी है जेई एडवांस के लिए भी जरूरी है सबके लिए जरूरी है ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट ये सोचता है मैं जेई जेई मैं थोड़े टफ क्वेश्चन नहीं करूंगा मैं सिंपल से बस जो नीट लेवल पे करूंगा दोस्त तुम नीट लेवल का प्रिपेरेशन करोगे तो नीट लेवल से नीचे ही जाओगे ऊपर तो नहीं जाओगे ना तो नीट लेवल से ऊपर प्रिपेयर करोगे तब तो नीट के लेवल पर आकर के गिरोगे ना नीट लेवल के लिए प्रिपेयर करोगे तो नीट लेवल से नीचे ही गिरोगे ना तो गलत तरीका है ना ऐसा सोचना कि नहीं मैं एग्जैक्टली नीट लेवल पर प्रैक्टिस करूंगा गलत है पढ़िए मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाइए से खुद को कीजिए अप्लाई कीजिए अच्छे क्वेश्चन पर कॉन्फिडेंस बढ़ाइए खुद से तभी पूछिए जबकि आप एग्जॉस्ट हो चुके है, को करके, है. समझ रहे हैं बहुत ज्यादा आप अगर ना थोड़े एफर्ट देंगे अपने टीचर से बार बार डाउट्स पूछेंगे देखिए आपका लेवल नहीं उठने वाला समझिए इस बात को तो बुक इज बुक इज फॉर नीट फॉर जेई मीन ओलंपियाड और जेई एडवांस के लिए हल्की सी थोड़ी सी कमी है वो क्या कमी है वैसे तो मैंने बार बार बोला कि एफर्ट पुट अप करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट में और कोई स्टूडेंट इसे अगर अपने से, अपने से अगर करता है, तो डायमेंशन है. ऐसे हैं जिसमें तो मैंने आंसर किया कि all, लिए है बट एक दो जगह पर जेई एडवांस के लिए बुक में हल सी कमी में उसको डिस्कस करता हूं ठीक है क्या कमियां है मैं चाह रहा था कि आपको यहां पर डिस्कशन कर दूं मैं इस तरह से बैकग्राउंड लेट मी हैव अ बैकग्राउंड ऑफ ब्लैक फेवरेट बैकग्राउंड मेरा ओके नाउ हैव अ यस अब ये ब्लैक बोर्ड जैसा बन गया अब इसे इस पर हम प्यार से लिखते हैं देखिए एग्जाम्स लिखते हैं देखिए ऐसा कॉलम बना लेते हैं एग्जाम्स कौन कौन से एग्जाम से रिलेट करके हम बात करना चाह रहे हैं नीट जयंस जय एडवांस ओलंपियाड्स और ओलंपियाड में हम स्पेशली किसका नाम लेंगे ऑब्वियसली केमिस्ट्री ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड का थोड़ी ना लेंगे ओलंपियाड uh, में आई एनसीएचओ तक आई एनसीएचओ इज द सेकंड स्टेज टू आई एन सी है या नहीं है ठीक है तो एग्जाम्स ये एग्जाम्स हो गए भाई इन एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली इन एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली डिस्कशन करना है तो पहला पॉइंट कि बुक इज सफिशिएंट फॉर बुक किसके किसके लिए सफिशिएंट है या ऐसा करें बुक के पार्ट का डिस्कशन कर लेते हैं देखिए तो लेवल वन किसके किसके लिए यूजफुल है तो लेवल वन यूजफुल फॉर ऑल है है ना हम अगर बात करें देखिए लेवल वन जेई की जेई वाला जो वर्जन है और जो नीट वाला वर्जन है दोनों में लेवल वन सेम है आई एम टॉकिंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू ना जेई वाली बुक जेई वाली बुक के रिस्पेक्ट में बात करें क्योंकि जेई के जेई से रिलेटेड एग्जाम ज्यादा है देखिए ये सारे ये सारा पोर्शन जो है जेई वाला है कोई बच्चा जो नीट के लिए एग्जाम देता है और ओलंपियाड फिर भी जाता है उसको केमिस्ट्री का लेवल वहां पहुंचाना पड़ेगा जहाँ तक यही एडवांस है और आपको एक सच्चाई बता दूं जितने भी बच्चे जो पास करते हैं जो के अच्छे रैंक लाते हैं नीट में सबकी केमिस्ट्री और फिजिक्स इतनी बवाल होती है सब यही एडवांस लेवल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री सबकी स्ट्रांग रहती है जितने भी बच्चे मेरे अंडर हंड्रेड आ चुके हैं भाई सारे के सारे मेडिकल वाले स्टूडेंट हर साल जब पेपर उठाते हैं ये मेंस का फिजिक्स का के रख देते हैं

विद रिस्पेक्ट टू जेई वर्जन मैं यहाँ पे जो बातें बोल रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू जई वर्जन है ठीक है जई वर्जन ऑफ द बुक फिर आपके क्वेश्चन भी लेता हूं क्लास लाइव ही है समझना की रिकॉर्डेड है क्वेश्चन भी लेता हूं पहले मैं अपनी बातें खत्म कर दू तो विद रिस्पेक्ट टू जे वर्जन ऑफ द बुक लेवल वन देखिए तो लेवल वन नीट के लिए मस्ट है. है ना और देखिए जेई मीन के लिए लेवल वन और ए मस्ट है मस्ट टू डू जे एडवांस के लिए ऑब्वियसली यार सबके लिए मस्ट है लेवल टू देखिए लेवल वन से नीट वालों का काम हो जाता है जो नीट वाली बुक है उस वो अलग ही वर्जन है मैं टॉप रैंक के लिए किसी भी स्टूडेंट को नीट के किसी भी स्टूडेंट को टॉप रैंक के लिए जेई वर्जन बोलूंगा समझ रहे लेवल टू ऑफ जेई बुक लेवल टू ऑफ जेई बुक

जई मेन्स ऑब्वियसली फिर ये भी टॉप रैंक के लिए नहीं तो काम यहां पर हो गया जेई मेन्स वालों का समझ रहे मस्ट काइंड नेसेसरी एंड सफिश बोला जाए तो अच्छा है नेसेसरी एंड सफिशियंट यहां पर भी हो जाता है कोई अगर एफर्ट देकर के लेवल वन भी बनाएगा डन एंड सफिशियंट समझ रहे सेम चीज नेसेसरी एंड सफिशेंट यहां पर भी मस्ट मैं लिख रहा था ना अब उसको मैंने और अच्छी लैंग्वेज में पुट अप कर दिया आपका काम यहां से हो जाता है देखिए लेकिन हाँ जेन्युइन एफर्ट्स होने चाहिए प्रोवाइडेड के जेन्युइन एफर्ट्स होने चाहिए दोस्तों अगर जेन्युइन एफर्ट्स नहीं है तब तो फिर यार कोई काम का नहीं है तो जेन्युइन एफर्ट्स होने चाहिए आपके ठीक है अब ऑबवियसली अगर आप जेई मेंस में टॉप रैंक चाहते हैं और अच्छी प्रैक्टिस चाहिए जेई एडवांस अरे ये तो मस्ट है ये मत समझना कि इससे कोई मतलब के और अच्छा लेवल चाहिए देखिए यही ड्रॉबैक मैं अपनी तरफ से काउंट करता हूं बुक का बुक में जय एडवांस लेवल के जो लेवल टू उसको जय एडवांस का माना जाता है बट और क्वेश्चन होने चाहिए अच्छे लेवल के और क्वेश्चन होने चाहिए क्योंकि कंप्लीट पैकेज अगर मैं बुक को बोलूं तो बुक यहां पर आकर के मार्क आ जाती है अगर मैं इसमें टेन, टेन में से इसको अगर 8 .8, 8 देता हूं तो इसी वजह से कंप्लीट टेन नहीं दे सकते बुक को टेन आफ्टर टेन क्यों नहीं दे सकते क्योंकि बुक में यही तो कमी है कि बुक में यही एडवांस के लिए लेवल टू में और क्वेश्चन होने चाहिए समझ रहे मोर क्वेश्चन ये मस्ट मैंने इसे लिखा क्योंकि मोर क्वेश्चन आर रिक्वायर्ड मोर प्रॉब्लम रिक्वायर्ड मोर प्रॉब्लम रिक्वायर्ड भाई बिल्कुल और तो और देखिए अगर आप एडवांस के लिए हैं तो मल्टीपल करेक्ट बुक में कमी है मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन की है मतलब एक है, लेकिन और ज्यादा चाहिए लेवल वन में।, अच्छा में।, तो में अच्छा अमाउंट है ना वैसे मल्टीपल करेक्ट में अच्छा अमाउंट होना चाहिए इंटीजर का इंटीजर और मल्टीपल करेक्ट जय एडवांस के बच्चों को सबसे ज्यादा मुसीबत सबसे कम प्रैक्टिस उनकी हो पाती है अब इंटीजर जई मेंस में भी आ गया तो मैं अभी ड्रॉबैक जहां पे लिखूंगा ना मैं यही सब पॉइंट से लिखूंगा यहां पर भी मैं वही दिखाना चाह रहा हूं कि आप लेवल टू की बात कीजिए तो मोर प्रॉब्लम्स आर रिक्वायर्ड इन लेवल टू और ओलंपियाड के लिए तो क्या बोलूं मैं Obviously, और भी ज्यादा चाहिए क्योंकि एनालिटिकल बहुत ज्यादा होते हैं ओलंपियाड में उसकी बहुत कमी है है ना मोर प्रॉब्लम मोर प्रॉब्लम लेवल थ्री वट अबाउट लेवल थ्री इसे अगले पेज पे करते हैं वट अबाउट लेवल थ्री कई बार नीट के स्टूडेंट डाउट करते हैं अगर मैं जेई मेन्स का करूं देखिए पहले तो मैं जेई मेन्स वाला वर्जन किसी भी नीट वाले स्टूडेंट को तभी बोलूंगा जबकि उसकी उसको बहुत चाहत है अच्छी रैंक की है ना तो नीट वाले बच्चों के लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपको तभी बोलूंगा नहीं तो आप नीट का वर्जन कीजिए और खुश रहिए लेकिन दोस्तों क्यों नहीं कीजिए अच्छे लेवल पे एक आपको पता है एक ऐसा पैकेज है जेई 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 बुक जो ऐसा पैकेज है कि कोई बच्चा कोई नीट वाला बच्चा भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना चाहता है और लेवल अप करना चाहता है तो वो पैकेज बहुत सही है है ना और हम अभी यहाँ पर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं फ्यूचर में बाद में आगे करेंगे कि कोचिंग मटेरियल को कैसे यूज कर सकते हैं और इनका क्या क्या फायदा है बट यार अभी बुक डिस्कस कर रहे हैं तो बुक पर फोकस करते हैं व्हाट अबाउट लेवल थ्री देखिए सफिशियंट इंटीजर्स फॉर जे मेन्स नॉट सफिश क्या है देखिए मेरा तो कहना है कि इस बुक में तो इसका इलाज क्या ऑब्वियसली फिर आपको ना आप अपने टीचर से और, और इंटीजर के क्वेश्चन और टेस्ट पेपर के थ्रू इंटीजर के क्वेश्चन और मल्टीपल करेक्ट के क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है बट ये जगह ऐसी है कि जहां पर एक डिसेंट अमाउंट है मोस्टली तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स लेवल वन को ही बनाकर के ढेर हो जाते हैं लेवल वन ही नहीं बनाते नाइनटी नाइन परसेंट जनता ऐसी होती है जो लेवल वन के आगे जाती नहीं है लेवल वन टच करती आगे जाती नहीं है होमवर्क भी मिलेगा फिर भी नहीं जाते मैं खुद अपने क्लासरूम के बारे में अगर आप उन बच्चों को छोड़ दीजिए जो कि अंडर 500 आने वाले अंडर थाउजेंड आने वाले बाकी स्टूडेंट्स बहुत कम ट्राई करते हैं वैसे तो देखिए स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने क्या सिर्फ लेवल वन बनाया है और बाकी कुछ क्वेश्चन ट्राई किए लेवल टू लेवल थ्री के और बहुत बढ़िया रैंक बनाई ऐसे भी हैं क्यों क्योंकि उनके एफर्ट बहुत ज़्यादा थे अपनी तरफ से अपने दम पर बनाने की पूरी कोशिश की टीचर से कम से कम हेल्प लेने की कोशिश की तो उनके लेवल इतना 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 ज़्यादा लेवल हो गया कि खुद से क्वेश्चन करने की टेंडेंसी बहुत बढ़ गई और इस वजह से उन्होंने फिर एग्जाम के दिन अच्छा स्कोर कर दिया सफिशियंट इंटीजर्स फॉर जई मीन बट आई डोंट थिंक के सफिशियंट प्रॉब्लम है इंटीजर की नॉट सफिशियंट इंटीजर्स इंटीजर्स मल्टीपल करेक्ट ये एक काइंड ऑफ मेरी तरफ से ना सजेशन है और बुक का मैं ड्रॉबैक काउंट करेगा करूंगा तो नॉट सफिशियंट इंटीजर्स मल्टीपल करेक्ट फॉर फॉर जई एडवांस ये सफिशियंट नहीं है अच्छा कोई लेवल थ्री यूज करे क्या कोई नीट वाला स्टूडेंट क्या ओलंपियाड वाला स्टूडेंट देखिए ओलंपियाड के लिए तो मस्ट ओलंपियाड के तो हर डायमेंशन में क्वेश्चन बनाने होते हैं और ज्यादा एनालिसिस अनलि, चाहिए होती है तो ओलंपियाड के लिए तो ये सब तो छोटा है आपको इतना करना पड़ेगा और करने के बाद और भी एनालिटिकल क्वेश्चन चाहिए होंगे आपको तो प्रैक्टिस अच्छी होगी अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिएगा लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक लिमिटेड अमाउंट है बट हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ओलंपियाड में बहुत हेल्पफुल होते हैं तो कोई बंदा ये बोले कि सर मैं ओलंपियाड के लिए फिर क्या करूं मैं इसके अलावा कौन सी बुक लो कोई और बुक तो स्पेशली है नहीं डिजाइन ही नहीं ओलंपियाड के लिए तो दोस्त ओलंपियाड वालों को तो बस यही है मैं जैसे करवाता हूं भाई ये बुक करवाने के बाद मैं अपने क्वेश्चन देता हूं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देता हूं तो वैसे ही कोई भी बच्चा ओलंपियाड वाला जो है वो इस बुक को बनाए थॉरली खुद से अपनी मेहनत पर बनाए और साथ में क्या करे फिर वो अपने मटेरियल्स बनाने की कोशिश करें डिजाइंड अगर है मटेरियल स्पेशली मैं वैसे ई e बुक्स लाने वाला हूँ वैसे ई e बुक्स लाने वाला हूँ जो कि स्पेशली डिजाइनड होगी ओलम्पियाड्स के लिए वैसे ई e बुक लाने वाला हूँ मैं सो होपफुली होपफुल आगे मैं खुद जो प्रॉब्लम्स का कलेक्शन बना रहा हूँ वो कुछ मंथ्स में फिर जो है मिलेगा तो काइंड kind ऑफ of है कि मैं ये बोल पाऊंगा कि देखो भाई मैंने बनाया हुआ स्टूडेंट्स के लिए अपनी तरफ से किसी ने नहीं बनाया अभी तक तो ओलंपियाड के लिए स्पेशली बट मैं इसीलिए इस प्रॉब्लम को खत्म करने वाला हूँ दूसरा मैं ई बुक स्पेशली बना रहा हूँ मल्टीपल करेक्ट और इंटीजर्स पर कि उसका एक ह्यूज कलेक्शन स्टूडेंट्स को मिले लेवल टू फॉर जे एडवांस हाँ बिल्कुल क्यों नहीं लेवल टू है ना जेई एडवांस के लिए अभी मैंने लिखा अभी तो पीछे देखिए तो लेवल टू फॉर जे एडवांस देखिए इनके लिए तो आप यूज कर रहे हैं इसलिए क्योंकि भाई टॉप रैंक लानी है तो नहीं तो काम यहाँ हो चुका था नीट के लिए जेई मेन्स के लिए देखिए नेसेसरी एंड सफिशेंट है बट टॉप रैंक के लिए यूज कीजिए ना जेई मेन्स के लिए आप अच्छे क्वेश्चन बनाएगा तो उससे क्या होता है आपका लेवल अच्छा होता है ऐसा थोड़ी ना आप सोचते हो कि मैं रोटेशन का प्रॉब्लम नहीं बनाऊंगा रोटेशन टफ चैप्टर है फिजिक्स में रोटेशन दो साल अगर नहीं आया आ में तो मतलब आप प्रिपेयर नहीं करोगे आपका लेवल कैसे अच्छा होगा सो अगर आप ये चाहते हो कि भाई आपका लेवल अच्छा हो तो अच्छे क्वेश्चन बनाने होते हैं अच्छे टफ चैप्टर्स टच करने का पर्पस ही यही होता है टफ क्वेश्चन को टच करने का कि आपकी एक्यूरेसी बढ़े आपका आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़े मेंटल स्ट्रेंथ सब कुछ मेंटल स्ट्रेंथ का ही तो गेम है है ना तो अच्छे क्वेश्चन और खुद से क्वेश्चन बना करके मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ खुद से एफर्ट देने बहुत जरूरी है क्योंकि खुद से एफर्ट नहीं दोगे ना तो आपका वो कॉन्फिडेंस का लेवल नहीं आएगा दोस्त कॉन्फिडेंस का लेवल चाहिए कॉन्फिडेंस का लेवल ही आता है खुद से क्वेश्चन को बनाने पर और जब तक एग्जॉस्ट ना कर जाए हार ना मान जाए टीचर से नहीं पूछना है सो यही एडवांस के लिए मेरा कहना था लेवल टू में और भी क्वेश्चंस ऐड करने चाहिए सजेशन है मैंने बहुत बार सजेशंस भेजे हुए भी हैं कि प्लीज इसमें क्वेश्चंस और ऐड हो ताकि बच्चों का और भी भला हो जाएगा हो सके कि अलग से कुछ निकालने की जरूरत ना पड़े किसी को हो नहीं रहा है तो मैंने सोचा कि मैं ई बुक जो है स्पेशली लेवल टू टाइप के प्रॉब्लम एनालिटिकल प्रॉब्लम के लिए और मल्टीपल करेक्ट और इंटीजर ये चार पोर्शन क्वेश्चन मैं खुद काम कर रहा करूँ ताकि ई बुक्स अवेलेबल हो जाए बच्चों को सस्ते में खरीद करके बना सके वो सो so, जो ये लेवल टू की कहानी थी किसी ने पूछा तो मैंने रिवाइज कराया मैं डिस्कस कर रहा था लेवल थ्री लेवल थ्री में कुछ है लेवल थ्री में कोई ऐसी बात जो कि यूजफुल हो तो मैंने बताया कि भाई सफिशेंट इंटीजर से जेई मेंस में इंटीजर ऐड हुए हैं सफिश इंटीजर से प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे बट ऑबियसली अगर ज़्यादा ऐड होंगे तो और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी लोगों को एक पैकेज ही मिल जाएगा अच्छा नॉट सफिशियन इंटीजर से ऑब्वियसली ये एडवांस के लिए और ही प्रैक्टिस चाहिए तो ज़्यादा ही चाहिए होगी है ना सर टेलीग्राम लिंक इज नॉट वर्किंग कौन सा टेलीग्राम लिंक चाहिए आपको सोलोमन एंड फ्रायल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे बुक है हम अच्छी बुक है लेकिन उससे बेटर होगा कि आप टू द पॉइंट ज्यादा टू द पॉइंट एलजी जी वेड है मैं ऑर्गेनिक पे भी आऊंगा बताऊंगा ऑर्गेनिक का भी स्पेशल सेशन लाऊंगा तो आप उसमें सुनना ठीक है अब सुनो तो मल्टीपल करेक्ट कम है जेई एडवांस के लिए तो वाट फॉर नीट मैंने तो बोला था कि नीट फॉर नीट आपको क्या करना चाहिए लेवल थ्री ओनली फॉर लेवल थ्री अगर आपको बहुत बहुत इच्छा है एकदम टॉपिक मेरा इतना स्ट्रॉग हो कि मुझे एकदम अल्टीमेट टॉप रैंक चाहिए है ना टॉप रैंक मीन्स के भाई आप तीन डिजिट का दो डिजिट का या एक डिजिट की बात करें तीन दो एक ये सब डिजिट में आप रैंक चाहते हैं एक हजार के अंदर चाहते हैं आपको पता है एक हजार के अंदर भी नीट में जो है आप समझ रहे हैं सिक्स फिफ्टी प्लस है उस पर भी नहीं आता है और इस बार तो वो भी नहीं था है ना हूँ जान ही रहे आप भाई कोई अगर सिक्स एट्टी प्लस ला रहा है तब जाकर के उसकी रैंक जो ऊपर जा रही है छे सौ के आसपास जा रही है ऐसा ऐसा होता है आपको पता है इतने ज्यादा स्कोरिंग एग्जाम है तो नीट में लेवल थ्री टच करने का पर्पस ही कि भाई अगर आपको टॉप रैंक चाहिए बहुत हार्ड वर्किंग आप है आपके पास सफिशियंट टाइम है तो नीट में लेवल थ्री टच कीजिए जेई मेन्स के लिए ओलंपियाड के लिए James के लिए बता दी मैंने ओलंपियाड्स के लिए ओलंपियाड्स के लिए तो ओलंपियाड्स ओह कम पड़ जाएंगे और एनालिटिकल क्वेश्चन चाहिए है ना कम पड़ जाएंगे तो ओलंपियाड्स के लिए तो कम ही पड़ता है ओलम्पियाड्स के लिए तो बहुत एक्स्ट्रा चीजें चाहिए बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन चाहिए तो मोर uh, क्या बोलेगा मोर क्वेश्चन मोर ना रिक्वायर्ड। अब बात आती है कि आ, क्या दिस बुक ओवरऑल अगर मान लो चलो ये सब बातें भी मैंने बोली चलो मैं एक काम करता हूं यहां पर ना, पहले तो ड्रॉबैक्स भी बता ही दू एक जगह बुक में क्या ड्रॉबैक है सारे ड्रॉबैक के बावजूद भी बुक विल बी द फर्स्ट चॉइस बुक शुड बी द फर्स्ट चॉइस बिल्कुल हैंडी है बुक उठाया बहुत मोटी नहीं है आराम से कहीं भी कैरी कर सकते हैं और बुक की तो अभी सॉफ्ट कॉपीज भी हैं भाई है ना लोगों ने शायद सॉफ्ट कॉपीज भी हर जगह सबसे सबसे आ, सबको बांटी हुई हैं तो आजकल लोग सॉफ्ट कॉपी बहुत यूज़ करते हैं तो कैसे भी हो आ, किसी भी तरह से हो वै तो मैं तो बोलूंगा कि देखो हार्ड कॉपी का अपना मज़ा होता है सॉफ्ट कॉपी अलग है सॉफ्ट कॉपी एनी टाइम कैरी करने के लिए हार्ड कॉपी मज़ा आता है बहुत ज़्यादा है ना आप उसमें रफ करके सॉल्विंग करते हो या फिर जो जिसमें कुछ बातें लिखते हो या फिर सामने सामने दिखता है अलग बात होती है उसकी और हर वक्त आप स्क्रीन भी नहीं देख सकते ना ड्रॉबैक्स क्या क्या है ड्रॉबैक्स देखिए लेवल टू शुड हैव मोर प्रॉब्लम्स शुड हैव मोर प्रॉब्लम्स होने चाहिए मैं बार बार बोल रहा हूं सारे ड्रॉबैक् के बावजूद भी ये बाकी से बेटर है क्योंकि कुछ पॉइंट इसके बहुत स्ट्रॉग है ग्रेजुअली क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया गया है बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन बना रहे हैं वो इजी होंगे बाद में क्वेश्चन बनाएंगे थोड़े टफ आएंगे दूसरा एक एक अच्छा डिसेंट कलेक्शन है बुक बुक में, मतलब अननेसेसरी और ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं अगर कॉन्सेप्चुअल डेप्थ लानी है तो ठीक है बट स्टिल लेवल टू शुड है है ना एंड सिमिलरली भाई लेवल थ्री में आइए लेवल थ्री में आइए मल्टीपल करेक्ट वही बात है जो मैंने उससे पहले बताई मल्टीपल करेक्ट इंटीजर शुड बी शुड बी इंक्रीज शुड बी इंक्रीज तो क्या इंक्रीज करना चाहिए तो क्या ये जे एडवांस के लिए सफिशियंट नहीं अरे सफिशियंट मोर देन सफिशियंट मोर देन सफिशियंट है ना ट मैं तो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि और कलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है बिकॉज वो है कम और बच्चे फिर मांगते हैं कि सर और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा चाहिए तो हम अपने कलेक्शन देते हैं अब तो एक तरह से बना हुआ है कि भाई आप आप अवस्थी बनाइए फिर टीचर के क्वेश्चंस बनाइए फिर टेस्ट पेपर्स बनाइए उनसे मल्टीपल करेक्ट बनाइए टीचर से मल्टीपल करेक्ट लीजिए ये बना हुआ है ठीक है तो ये क्वेश्चन अगर कोई बोलता है सफिशियंट फॉर जी एडवांस अरे सिर्फ सफिशियंट नहीं है फॉर टॉप रैंक अब कोई बोलेगा कि सर अभी तो आपने कमी बताई अरे यार, यार मैंने कमी बताई वो आ जाए तो आपके लिए पैकेज बहुत अच्छा हो जाएगा मेरा तो काम ही मैं तो बताऊंगा और क्या होना चाहिए था बुक में तो मैं तो बताऊंगा ना कि और क्या होना चाहिए था तो कोई एक स्टूडेंट जो यार दूर कहीं बैठा है जिसको कोचिंग अवेलेबल नहीं है मैं उसके रेस्पेक्ट में भी तो सोच रहा हूँ है ना कोई अगर कोचिंग नहीं कर पा रहा है तो उसके हिसाब से बताइए जैसे लोगों ने पूछा है सर फॉर के वी पी वाई अरे बिल्कुल आप जब जेई के लिए है तो फिर क्या ही? के वी पी के हम कैसे क्रैक करके करते प्लीज टेल प्रैक्टिस uh, करनी होगी कॉन्सेप्चुअल डेफ लेना होगा और फिर प्रैक्टिस करनी होगी है ना संदीप सर प्लीज़ आप बायो की बुक के रिव्यू भी लाइए प्लीज़ ठीक है बायो की बुक का पॉइंट टू बी नोटेड नूपुर पॉइंट टू बी नोटेड बिल्कुल आप रिमाइंड कराना मैं पक्का

तो मैंने फिजिकल की आठ दस बुक्स दिखाई मैंने बोला कि किसी भी थ्योरी बुक को आप यूज कर सकते हैं जो फॉरेन राइटर्स की कोई भी एक यूज कर सकते हैं मैंने बताया फिर कि हाँ थोड़ा बुरस में क्या अच्छी बात है लूसिड है इजी है थोड़ा आपके लिए है और कॉन्सेप्चुअल डेप्थ आपको जई मेंस जय एडवांस तक ओलम्पियाड तक का अच्छा मिलेगा एक अकेली बुक जो कि थ्योरी में आपको जीरो से हीरो बना सकती है ऐसा था तो मैं कितनी सारी बुक का की शक्ल मैंने कल दिखाई थी फिर मैंने आपको बताया था कि बेस्ट कॉम्बिनेशन मेरी नज़र में क्या आरडीएक्स कॉम्बो एक्सक्लूसिव कॉम्बो कौन सब कौन सी बुक्स का होगा मैंने नाम बताया था भाई बुक तो सभी हैं आप मैंने ये बार बार बोला हजारों करोड़ों बार बोला मैंने कि आप किसी भी बुक को प्रॉब्लम बुक को उठाई आप सॉल्विंग करके बहुत अच्छा कर सकते हैं ऐसा नहीं क्या आरसी मुखर्जी के बारे में भी, भी कल बातें कर रहे थे है ना अरिहंत वाली बुक के भी बारे में बातें की आरियंत की दो दो तीन तीन, तीन बुक है जीआरबी पब्लिकेशन की बुक की बात की किसी को भी पढ़ करके अच्छी रैंक बना सकते हैं बट बात होती है कि मैं अगर बोलूं कि अच्छा आंख बंद करके किसी एक को चूज़ कर लो तो यह ठीक है सफीश एक बार आप गए और सारी बुक के बीच में से चूज करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको चूज करो हैंडी भी है मोटी नहीं है हैंडी है और ग्रेजुअल इंक्रीज किया हुआ है क्वेश्चन का लेवल और कुछ जगह पर जो कमी है वो ऐसी कमी नहीं है उससे कुछ आपके आप जो उससे रैंक नहीं बना सकते ऐसा नहीं है मैं बता रहा हूं कि कमी है और बुक में ऐड कर देना चाहिए क्वेश्चन ताकि इट बिकम्स अ कंप्लीट पैकेज किसी को और सोचने की जरूरत ना पड़े जैसे एस वर्मा में सबको लगता है ना क्या मोर देन सफिशियंट है अब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है है ना हाँ हाँ भाई ये तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ये कल आई कि जैसे जाइए एकदम चुपचाप जाकर के सोइए अकल आई क्यूजेस क्लास नाइन में दे के क्वालिफाई कोई अरे क्यों नहीं करते दे रहे हैं जो कि दे रहे हैं ये, ये तो स्टूडेंट है ना सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं सो so, क्या बुक है सफिशेंट फॉर जे एडवांस यस बट ये मत सोचेगा सिर्फ सफिशियंट ये क्वेश्चन आपकी तरफ से आता है तो मैं इसको एलैब्रेट कर रहा हूँ कि सिर्फ सफिशेंट नहीं है टॉप रैंक के लिए बट वो कमी जो मैं ऐड कर रहा हूँ उस कमी का बस यही है मकसद बताना कि भाई बुक में और चीज़ें ऐड हो जाएँ तो बट अच्छा है इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों को है ना क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स तो अपने टीचर से ले सकते हैं कुछ स्टूडेंट कोचिंग से ले सकते हैं जिनके पास नहीं है कोचिंग नहीं है बुक्स तो एक्चुअली सबके लिए हो जाती है ना जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं जिनके पास कोई उपाय नहीं है कोई रिसोर्स नहीं है तो वो बुक के पास आते हैं तो मैं चाहता हूं कि इस नजरिए से बुक में हाँ बुक में जो है एवरीथिंग शुड बी देयर हो जाना चाहिए और क्या करना है सफिशियंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स और ऐड करने और क्या जहां पर ट्वेंटी प्रॉब्लम्स उनको फोर्टी कर दीजिए ये मैं कह रहा हूं और रैंक यार डायरेक्ट टू योर एफर्ट्स है यार ये रैंक तो एफर्ट से आती है ना सो so, यू कैन यू कैन यूज अ जी आरबी पब्लिकेशन कैन यूज अरिहंत पब्लिकेशन ऐसा ना सोचो कि आपके पास अवस्थी नहीं है एन अवस्थी की बुक आप नहीं बनाते हो तो आपकी रैंक नहीं आ सकती बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने इन अवस्थी टच भी नहीं किया फिर भी अच्छी रैंक बनाई है बट वहां यहां पर बात ये हो रही है कि अगर सर मुझे कोई लेना है तो कोई एक सजेस्ट कर दो तो मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा मैं रिव्यू दे रहा हूं आप लेना ना लेना आपका काम है समझ रहे हो सब सारी जनता के लिए हाँ मेरे स्टूडेंट होते आप मेरे क्लास के तो मैं आपको बोलता कि ऐसा कर लीजिए ठीक है ये ये आपकी चीज़ है सर टेलीग्राम ग्रुप लिंक इज नॉट वर्किंग टेलीग्राम ग्रुप लिंक वर्क कर रहा होगा आई थिंक दैट के है ना ऐसा तो होगा नहीं आ, कौन सा लिंक पे आप जा रहे हो ये बताओ सो so, ये बात थी है ना सफिशंट फॉर जेई एडवांस एंड फिर इसी तरह से किसी ने पूछा सर सफिशंट फॉर ऑब्वियसली मैंने बोला कि आपको वैसे जेई एडवांस के लिए बुक के साथ साथ क्या करना चाहिए और सॉल्विंग के लिए मटेरियल चाहिए जैसे तो है ना तो सफिशियंट ही नहीं मोर देन सफिशियंट नहीं सीधे एकदम अगर आप इसे प्रिपेयर करते हैं तो आप बिल्कुल या जीरो से हीरो बन जाएंगे जीरो से हीरो का मतलब बिल्कुल टॉप रैंक पर आ सकते हैं सुपर टॉप रैंक पे जा सकते हैं अच्छे से ढंग से बूथ को यूज करें तो अगर आपको यह बोलना है कि सर मुझे तो मुझे सारी बुक बनाने की जरूरत है क्या जेई मेन्स के लिए तो मैं ये भी बता सकता हूँ सारी बुक भी बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन जेनुन एफर्ट पहले सीखिए क्या होता है जेनुइन एफर्ट अगर आपको लगाने आता है तभी आप बुक के बारे में ना कुछ बातें बोलिए तभी आपको बातें समझ में आएंगी देखिए जेनुइन एफर्ट का मतलब होता है कि क्वेश्चन में आपने सॉल्विंग में कॉन्सेप्ट जानने के बाद आपने अपने एफर्ट बहुत दिए सॉल्विंग के लिए टीचर से बिना पूछे हुए जब आप एग्जॉस्ट करके आपको लग गया कि गिव अप हो गया आपका तब टीचर से पूछा आपने दैट इज़ अ थिंग ये होता है जेनविन एफर्ट बिना समझ गए तो बुक इज सफिशियंट फॉर जेई मेन्सो एंड यार बुक इज सफिशंट फॉर नीड तो क्या ही है बिल्कुल है यार बताया मैंने बिल्कुल है हाँ अब बात आती है कि क्या सर सफिशंट फॉर ओलंपियाड तो देखिए सफिशियंट फॉर ओलंपियाड अब ओलंपियाड अगर आप इसकी बात कर रहे हैं ओलंपियाड में भी ना स्टेजेस होते हैं देखिए फर्स्ट स्टेज नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम इन केमिस्ट्री एन एस बुक क्या है एन एस सी सी के लिए एन एस सी सी के लिए सफिशियंट है है बुक मोर देन सफिशियंट एन एस सी सी के लिए मोर देन सफिशियंट बुक इज मोर देन सफिशियंट बुक इज मोर देन सफिशियंट यार समझ रहे बुक इज़ मोर देन सफ़िशिएंट सेकेंड स्टेज के लिए देखिए स्टेज स्टेज आई एन सी ए इंटरनेशनल सॉरी इंडियन नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड इंडियन नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड आप इस स्टेज में भी जाते हैं इस स्टेज को भी अगर सेलेक्ट करके जाते हैं टॉप थर्टी फाइव स्टूडेंट्स इस स्टेज के बाद थर्टी फाइव स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है कैंप के लिए

लेकिन मैंने शायद लगता है कि डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे के दो सेशन लिया और चार क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ है उसमें से एक एक क्वेश्चन के नाइन टू टेन पार्ट बहुत 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 ज्यादा एनालिसिस मांगते हैं तो अगर उनके हिसाब से अगर आप बात करेंगे सेकंड स्टेज में आई एन सी के अकॉर्डिंगली तो बुक इज नॉट सफिशियंट ऑब्वियसली आई एन सी लेवल इज नॉट देयर तो नहीं है तो क्या कोई ओलंपियाड वाला बच्चा इसको यूज़ नहीं करेगा ऐसा कुछ भी नहीं है आई एन सी एच ओ के जैसे क्वेश्चन नहीं है लेकिन अगर आई एन सी एच ओ के जैसे क्वेश्चन नहीं है एग्जैक्टली exactly, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि बुक के जो क्वेश्चन है वो वेस्टेज है भाई एनालिटिकल स्किल्स आती कैसे एनालिटिकल स्किल्स ऐसे ही आते देखिए कैसे बिल्डअप होगा एनालिटिकल स्किल्स अगर ओलंपियाड के लिए एनालिटिकल स्किल्स चाहिए तो फटाफट बस मैं एक मिनट में बता रहा हूँ ओलंपियाड के लिए एनालिटिकल स्किल्स कैसे आएंगी हाउ टू डेवलप तो ये कैसे डेवलप होगा सबसे पहले ट्रस्ट योर सेल्फ सबसे पहले खुद पर ट्रस्ट कीजिए है ना ट्रस्ट योर सेल्फ सोल्व लेवल वन ये लेवल वन सॉल्व करेंगे आप देखिए ट्रस्ट जो आपका अपने ऊपर है वो ऑलरेडी इंक्रीज कर जाएगा इंक्रीज करेगा अब क्या कीजिए आप देखिए आप जो भी लेवल वन के जो डाउट्स वगैरह हैं वो मैंने जैसे बताया डाउट्स पूछने का तरीका क्या होता है कि आप जब एकदम एग्जॉस्ट कर जाएं टीचर से जब आपको लगे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बन रहा तब ठीक है आप कीजिए ये काम कि जाइए टीचर से पूछिए सो so, अब आपका लेवल वन अटेम्प्ट करने के बाद आपका जो ट्रस्ट है वो और बढ़ेगा तब आप लेवल टू पर जाइए तो आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना ये लेवल टू बना रहे हैं फिर लेवल थ्री जब बना रहे ये जो पूरा प्रोसेस है खुद पे ट्रस्ट डेवलप करने का खुद पे कॉन्फिडेंस डेवलप करने का ये प्रोसीजर हर जगह सेम है सेम एग्जाम में तो आप जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वो भाई नीट के लिए भी जेई मेन के लिए भी जेई एडवांस के लिए भी सबके लिए प्रोसीजर सेम ही होता है खुद पे कॉन्फिडेंस डेवलप करने का और क्वेश्चन अगर आप खुद से बना रहे हैं तो वो एनालिटिकल स्किल बढ़ रही है हाँ ये बात अलग है कि जेई जय नीट एडवांस इनके लिए ना मतलब एडवांस में थोड़ा एनालिटिकल स्किल ज्यादा चाहिए ऑब्वियसली मल्टीपल करेक्ट वगैरह क्वेश्चन ज्यादा है तो सिर्फ मल्टीपल करेक्ट वगैरह सॉल्व आप जब करते हैं तो एनालिटिकल स्किल अपने आप चेक होती है बट ओलंपियाड में क्या होता है कि क्वेश्चन के पार्ट बहुत ज्यादा होते हैं सब्जेक्टिव होते हैं आपको बनाना होता है लिखना होता है तो वो काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव अप्रोच ही नहीं होता है उसमें सब्जेक्टिव होता है और आपकी ठहरी क्या आप जो एनालिटिकल स्किल डेवलप कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होती है तो एक झटका लगता है वहां पर अगर यार ओलंपियाड में तो अलग टाइप के जो सेकंड स्टेज ओलंपियाड उसमें तो अलग तरह के क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली अगर आपका एग्जाम आ रहा है जैसे कि अभी आई जो जिसमें कि आई एन सी एच और एन मिला हुआ और वो सिक्स फेब को है तो बचे हुए दिन जो भी उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह बनाए उस टाइप के क्वेश्चन बनाए अगर आपने ये सब बनाया तो अगर आपने ये बुक बनाई भी है और जैसे मैं बता रहा हूं है। है? तो आप क्या कीजिए आप बढ़ते जा रहे हैं कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ऊपर हो चुका है तो ये पहले आना चाहिए पहले कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा अब देखिए एनालिटिकल स्किल आप कैसे डेवलप होगी ये कॉन्फिडेंस लेवल यहां पहुंच गया है अब आप ना एग्जाम जब आपका पास में आ गया जब आप ऑलरेडी तैयार हो चुके हो मेंटली बहुत हो हो चुके हो, सारे लेवल के questions पे अपने एफर्ट डालते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल आपका मेंटल कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ चुका है अब आप क्या कीजिए इसमें एडअप कर दीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओलम्बेड के लिए आप इतनी से तैयार हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सिखाएगा कि सोचते कैसे एनालिसिस कैसे करते हैं टाइम 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 जो है टाइम जो है वो आ, जो टाइम का यूज है वो कैसे होता है तो टाइम का यूज हो वह आपको आप सीख जाएंगे और साथ साथ जो एनालिटिकल स्किल्स आपके बढ़ेंगे तो ये प्रीवियस क्वेश्चन इसके साथ अगर आप मिला देंगे अपने कॉन्फिडेंस के साथ तो भाई धमाका हो जाएगा फिर तो ऐसा नहीं है कि आप बुक को ओलंपियाड के लिए नहीं बोल सकते कि यूजफुल नहीं है बिल्कुल है बट हाँ एग्जैक्टली क्वेश्चन वैसा नहीं अगर वैसे क्वेश्चन ऐड किया वो क्वेश्चन वैसे ऐड नहीं किया जाएंगे क्यों क्योंकि बहुत कम जनता है जो कि एक्चुअली ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करती है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आपको ना एग्जैक्टली इस तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो एक्सपेक्ट भी मत कीजिए वो अलग से ही है ना ये 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 देखिए डो नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी बुक कोई स्पेशली कोई बुक ऐसा निकालेगा नहीं क्योंकि ऑब्वियसली यार फिर बुक जो है बुक अगर अगर बुक जो है वो नहीं मार्केट में बिकी तो फिर ऑब्वियसली यार कहीं ना कहीं अगर बुक जो है इस तरह के क्वेश्चंस बनाने वाली जनता ही बहुत कम है बहुत कम लोग जो है ओलंपियाड में इंटरेस्टेड होते हैं तो अगर जनता ही बहुत कम है बनाने के लिए तो बुक भी स्पेशली नहीं आएगी वो क्लासरूम से ही मिलने वाला है आपको टीचर से ही मिलने वाला है तो डो नॉट एक्सपेक्ट वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए है ना वैसे भी एक्सपेक्ट ना करो ज्यादा वो तो मैं काउंट करा रहा हूं कि बुक में नहीं है क्वेश्चन तो आप अलग से टीचर से सोर्स लेना पड़ेगा वैसे भी एक्सपेक्ट ना करो है ना सो तो ये बातें थी भाई अब कुछ बातें आपको अपनी तरफ से पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालो मैंने बुक के बारे में ऑलमोस्ट सारी बातें बता दी है ना यहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि लेवल वन लेवल टू वगैरह कौन कौन से सफिशेंट हैं नहीं है हर एग्ज़ाम के लिए ठीक है सो so, होपफुली कि मैंने सारी बातें पॉइंट आउट कर ली है मैंने नीट के टर्म्स में बताया जे मेंस के टर्म्स में बताया ये एडवांस के टर्म्स में बताया ओलम्पैड के लिए बताया कमियां भी बताई हैं ड्रॉबैक्स भी काउंट कराएँ अच्छी बात क्या है कि बुक एनी टाइम आप आंख बंद कर चूज़ कर सकते हैं ये एक आपको अच्छा लेवल दे देगा और ये सब जो ड्रॉबैक्स हैं वो काइंड ऑफ वही हैं कि अलग अलग ढेर सारे मटेरियल चूज करने के बजाय कोई भी अगर बुक में ये चीज़ मिल जाए तो बुक अपने आप में कंप्लीट पैकेज हो जाए है ना तो आपको जो भी बातें पूछनी हो ऐसे बुक से रिलेटेड और भी मैंने होपफुली सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना ओके चलो ये बात लिख दू मैं एनीथिंग यू वांट टू आस्क कमेंट सेक्शन है ना कमेंट सेक्शन में करो चलो कोई और ऐसा पॉइंट जो कि डिस्कशन में चाहिए होगा आपको मैंने तो सारे पॉइंट्स निकाल दिए ना जी मेंस के लिए बता दिया जी नीट के लिए भी सफिशियंट बुक और आप इसका नीट वर्जन आप जो जो बुक का जो नीट वर्जन आता है आप उसको भी नीट वाले यूज़ कर सकते हैं बिंदास मैं यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू चल ही रहा था जेई वाली बुक अगर कोई यूज़ करता है तो उसको कितना फ़ायदा कितना नहीं है है ना ये ये बातें मैं डिस्कस कर रहा था एक्चुअली ठीक है so, सो और भी है कुछ पूछना कैन नाइन्थ क्लास स्टूडेंट यूज डी हाँ जी बिल्कुल केशव क्यों नहीं क्लास बट आपका पर्पस क्या है देखिए आपका पर्पस अगर है कि अब मुझे फर्दर जूनियर साइंस ओलंपियाड करते हुए आगे जाना है जूनियर साइंस ओलंपियाड के साथ मुझे ऊपर चलना है उठना है मतलब मुझे और इलेवन तो में आपका पर्पस क्या है देखिए डिपेंड करेगा आपके पर्पस पर है ना सर की ब्रेड ओपी <laughs> कॉस्ट ऑफ बुक बड़ी आसान है बर्गर से भी सस्ती बुक है शायद मुझे लगता है ढाई सौ तीन सौ थ्योरी बुक फॉर इनऑर्गेनिक आप बिंदास यूज कर सकते हैं जेडी ली जो इंडियन वर्जन है वो एक ऐसे इंडियन वर्जन है जिसकी थ्योरी बहुत अल्टीमेट और जेई के लेवल से भी ऊपर ओलंपियाड भी यूज कर सकते हैं जेई एडवांस वाले भी यूज कर सकते हैं नीट वाले भी यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से देख देख के के बुक का फॉर्म ऐसा है कि डर लगता है। देखो डरोगे तो फिर कैसे बढ़ोगे यार तूफानों से जिनकी कश्तियां निकलती है वही तो दुनिया जीतते हैं ना तूफानों से जिनकी कश्तियां निकलती हैं वही तो दुनिया जीतते हैं है ना हाँ जी आईसीआईसी अरे बिंदास कोई भी किसी भी बोर्ड का हो सब यही बुक यूज कर सकता है अल्टीमेटली सबको देना तो एक ही एग्जाम है ना है ना बताओ और भी कुछ पूछना है पूछो एनीथिंग यू वांट टू आस्क फिर आप कमेंट सेक्शन में बताना फटाफट कुछ पूछना है तो पूछ डालो माय पर्पस इज टू क्लियर जेई एडवांस ऑब्वियसली कैसे सिर्फ ई एडवांस के लिए ही आप पढ़ रहे हैं तो बुक तो सफिशियंट तो है ही है और बाकी जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आपको चाहिए होंगे मल्टीपल करेक्ट वगैरह टीचर से ले सकते हैं आप हम लोग जो यहाँ पर मल्टीपल uh, करेक्ट अगर हम यहां पर डालते हैं चैप्टर बाई चैप्टर जब हम सॉल्विंग कराएंगे तो आप वो भी यूज कर सकते हैं जय नीट के वॉल्यूम में बेसिक डिफरेंस क्या है बेसिक डिफरेंस है कि लेवल टू एंड लेवल थ्री आर नॉट देयर सी आ, चलो ये पॉइंट में एड्रेस कर ही दे रहा हूं पांच मिनट में फटाफट फड़। एन अवस्थी देखो क्वेश्चन है एनअस्थी नीट वर्जन नीट वर्जन मैंने अच्छा ये बताओ मैंने क्या बोला मैंने बोला नीट के भी कोई जो भी अच्छे टॉप अच्छी रैंक लानी है जिनको वो जेई एडवांस वाले जेई में जेई वाले बुक बिल्कुल बिंदास यूज करें मेरे स्टूडेंट यूज करते हैं अच्छे रैंक बनाते हैं बिंदास यूज कर सकते हैं मैंने पूरा आप वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो मैंने पूरी बात बताई वीडियो को रिवाइंड करेंगे तो देखेंगे मैंने पूरी बात बताई हर एक बात ऑलमोस्ट मैंने हर बात टच की तभी तो वीडियो इतनी लंबी है देखिए तो नहीं तो रिव्यू तो पाँच दस मिनट में रिव्यू हो जाएगा बट मैं अच्छी खासी लेंथ दे रहा हूँ वीडियो को क्योंकि मैं ढेर सारी बातें डिस्कस कर रहा हूँ बट अब ये पॉइंट आपका है इसको मैंने ऐसे ओपनली डिस्कस नहीं किया इनडायरेक्टली किया तो अभी डायरेक्टली भी डिस्कस कर दे रहे नीट वर्जन और जेई वर्जन -E में आ जाइए देखिए अभी बिल्कुल रिसेंट एडिशन जो है उसको मैंने नहीं देखा है बट अभी तक जो भी बुक आई हुई नीट वर्जन की और जेई जेई वर्जन की देखिए लेवल वन लेवल वन ये दोनों क्या है सेम है सेम ठीक है बट देखिए यहां जो लेवल टू एंड लेवल थ्री है ना उसमें क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसर्शन रीजन यहां ऐसा नहीं है मैं तो कहूंगा कि कोई अच्छी रैंक के लिए नीट में ना दोनों बुक्स रखे बिल्कुल नीट ओरिएंटेड एक पार्ट है नीट ओरिएंटेड एक पार्ट है दिस पार्ट इज नीट ओरिएंटेड और देखिए यहां पर लेवल वन लेवल टू थोड़ा गुड क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये यह, यहां पर जो है वो जेई मेन्स और जय जेई मेन्स और नीट वाला लेवल है

बट है तो क्वेश्चन देखिए घुमा फिरा करके ये सभी तो क्वेश्चन होते हैं ना बस थोड़ा पैटर्न होता है कि एग्जाम एडवांस में ये ज्यादा पूछे जाते हैं तो उनका स्पेसिफिक प्रिपरेशन है अब कोई बोले ये एडवांस वाला बच्चा क्या उसको क्या उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नीट के वो फायदा नहीं पहुंचाएंगे अरे बिल्कुल पहुंचाएंगे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या सर्शन रीजन फायदा नहीं पहुंचाएंगे नीट वर्जन में जो है बिल्कुल पहुंचाएंगे कोई बंदा दोनों बुक यूज करके बहुत मस्त रह सकता है बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकता है अब बात आ गई कि मुझे एक ही बुक यूज करना है तो नीट वर्जन वाले आप इसको यूज कीजिए लेकिन थोड़ा अच्छे क्वेश्चन बुक में टफ क्वेश्चन भी होने चाहिए अगर ऊपर की रैंक आप चाहते हैं तो ऐसा होता ही नहीं कि टॉप रैंक बनानी है और अच्छी अगर आपको एक्सक्लूसिव करना है नहीं भाई मुझे टू द पॉइंट बस सॉल्विंग uh, करनी है नीट uh, की तो ठीक है बिंदास बस ये लेकर खुश रहो हाँ बट फिर ये एक्सपेक्ट मत करो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाने आएंगे तो नीट लेवल तक आएगा और फिर एक्यूरेसी स्पीड जो है वो फिर टाइम के साथ आएगी हाँ टफ क्वेश्चन जब आप बनाते हो तो उनका फायदा बहुत होता है आपका मेंटल स्ट्रेंथ तो उनको बनाने से बहुत बढ़ जाता है और फिर आपकी स्पीड एक्यूरेसी भी बढ़ती है ठीक है चलो और बातें कुछ है आयु किसी लेवल जे एडवांस से ऊपर है या नीचे आयु किसी लेवल ऊपर है बिकॉज उसमें जो सेकंड स्टेज है आरपीएस वो जे एडवांस का बाप है सेकंड स्टेज ऑफ आयु किसी इज बाप ऑफ जे एडवांस सो मेनी एनालिटिकल क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन के 15 पार्ट्स एंड ऑल वो बहुत अलग लेवल है कैन यू प्लीज टेल पैटर्न ऑफ जे मेन से जे एडवांस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स पेपर पैटर्न में सी मनोज जेई मेंस ऑब्जेक्टिव टाइप है आजकल इंटीजर फाइव क्वेश्चंस इंटीजर के ऐड होने लगे हैं जेई एडवांस में मल्टीपल करेक्ट का सेक्शन बड़ा अलग होता है जो किसी और एग्जाम में नहीं होता है।, में होता है और इंटीजर के भी क्वेश्चन का ज्यादा होता है क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा होता है एनालिटिकल भी होता है और कुछ पॉइंट्स जो है वो बड़े अच्छे प्यारे तरीके से ट्विस्ट करके रखे जाते हैं सो क्वेश्चन बना क्वेश्चन जो बना करके दिए जाते हैं स्टूडेंट को वो बिल्कुल स्टूडेंट्स के मन में ना डर पैदा करने वाले होते हैं बनने वाले होते हैं बट वो डराते बहुत जूनियर साइंस ओलंपियाड श्योर दैट इज जूनियर साइंस ओलंपियाड ओलंपियाड दैट इज जूनियर साइंस गाइस तो मैं फिनिश करता हूं इसको यहीं पर है ना आई थिंक दैट मोर देन फिफ्टी मिनट आर देयर हो चुके हैं सो so, मैं अभी चलता हूं आपको जो भी क्यूरीज आप फिर कमेंट सेक्शन में डालो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी इज दिस बुक गुड फॉर आई क्यू सी एच ओ नहीं होता आई सी एच ओ होता बच्चे आई एन सी एच ओ हाँ जी मैंने आप वीडियो रिवाइंड करके देखना मैंने पूरी बात बताई है कि आई एन सी एच ओ के लिए जो एग्जैक्ट जो क्वेश्चन चाहिए होते हैं आई एन सी एच ओ के लिए एग्जैक्टली exactly जो एनालिटिकल क्वेश्चन चाहिए होते हैं वो एग्जैक्टली exactly नहीं है बुक के अंदर बट क्या कोई बच्चा इस बुक को पढ़ करके ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर हो सकता है तो मैंने उसको पूरा भाषण दिया ऐसे भाषण दिया था देखिए कि ना पूरा ये आपका तरीका होता है अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए एनालिटिकल स्किल्स चाहिए होती है किसके लिए आई एनसीएचओ के लिए ठीक है तो वो अपने आप डेवलप होती है बुक बनाने से बट हाँ बुक में क्या है कि एग्जैक्टली आई एनसीएचओ के क्वेश्चन होते हैं ह्यूज लेंथी वैसे एग्जैक्ट नहीं है जे एडवांस टाइप तक के हैं तो यार कोई बात नहीं वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे ना इसके इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे तो बात बच जाएगी आप कर सकते हैं इतने से आ, आ, आरपीएस मैंने जो फिजिकल केमिस्ट्री पे जो बात बोली है बच्चे मैंने जो फिजिकल केमिस्ट्री पे कल जो डिस्कशन किया ना उसको देख लो प्लीज़ उसमें सारे आंसर है पीटर एडकिन से लेना चाहिए बुरुस्मान लेना चाहिए मैंने एक आर डी एक्स कॉम्बो बताया उसमें फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अल्टीमेट आरडी एक्स कॉम्बो कोई बच्चा जीरो किसी बच्चे के पास अगर साल भर का टाइम है तो वो बिंदास उस उस चीज़ को यूज कर सकता है थैंक यू मनोज थैंक यू यार थैंक यू फॉर सो मच एनर्जी सो पीटर एडकिन बुरुस्मान कौन सा यूज करना आरपीएस उसके लिए प्लीज कल वाला लेक्चर देख लो दोस्त बहुत बहुत बताया मैंने ऑलमोस्ट वन टू वन एंड हाफ आवर्स मैंने जो है शायद जो है उस पर डिस्कशन किया बहुत सारी बातों को डिस्कस किया है और मैं अपनी तरफ से ना जो रिव्यू ला रहा हूँ उस रिव्यू में यार मैं मैं कोई पॉइंट नहीं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ मतलब नॉर्मली सभी रिव्यूज करते हैं ऐसा नहीं कि मैं पहली बार किसी बुक का रिव्यू कर रहा हूँ बहुत करता हूँ बहुत बहुत किए हैं लोगों ने मैं ट्राई कर रहा हूँ बहुत डेप्थ में जाकर के डिस्कस करने की ऑलमोस्ट तुम्हारे सारे पॉइंट्स सारे क्वेश्चन सारी क्यूरीज को मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है ठीक है आ, हाँ नाइन्थ क्लास स्टूडेंट बिल्कुल श्योर कर सकते हैं ट्राई कर सकते हैं। सर कैन यू प्लीज मेक अ रोड मैप फॉर गेटिंग टॉप रैंक इन जे एडवांस ओ दैट्स द पॉइंट चलिए रोड मैप पर एक एक लेक्चर एक होगा ठीक है थैंक यू सो मच केशव आप कमेंट बॉक्स केशव देखिए आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि देखिए इतनी अच्छी अच्छी बातें आप ला रहे हैं जैसे आइडियाज मिल रहे हैं कि जैसे किसी बच्चे ने केशव ने पूछा सर कैन यू गिव मी द रोड मैप फॉर 2024 तो रोड मैप डाल रहा हूं मैं ठीक है आप कमेंट बॉक्स में केशव अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज इस आप अपने क्वेश्चन को प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए सो दैट मैं भूल ना जाऊं अगर आप सुन रहे हैं, तो इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा अभी वीडियो खत्म होगी तो एन अवस्थी के क्वेश्चन करवाएं अपने हाँ मैं सीरीज ये आज से एन अवस्थी का ये मैंने रिव्यू दिया है और आज से फिर अब अब हर वीक इसकी सॉल्विंग होगी सॉल्विंग स्टार्ट हो गई एम एस चौहान की ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है एन अवस्थी की भी स्टार्ट हो गई आज से नवतीडमी पर पढ़ता है वाह क्या बात हर जगह से पढ़ लीजिए जहां से आपको मिलती है मिलता है ज्ञान हर जगह कहीं भी मौका मत छोड़िए मैं बता रहा हूँ पर्सनली पर्सनली एज ए स्टूडेंट भाई मैं जब पढ़ रहा था तो मैं गांव से बड़ा हुआ लड़का हूं और कोई सोर्स नहीं था पैसे नहीं थे तो पानी की बोतलें बेच बेच करके किसी भी तरह से ना दस दस रुपये बीस बीस रुपये जोड़ता था और पटना आए थे तो बहुत बहुत मुश्किल से टाउन में आकर के पढ़ाई की थी वैसे पैसे जोड़ जोड़ करके बुक खरीदते थे तो बुक से जो भी पढ़ पाए सो पढ़ पाए सो so, मुझे पता है कि आप आपके लिए गाइडेंस कितनी इंपॉर्टेंस है मैं इसीलिए अपनी तरफ से गाइड करने के लिए ना इतना इतना एक्साइटेड होता हूँ कि यार ऐसा ना हो जाए कि कुछ स्टूडेंट जो है मेरी वजह से मतलब कि अगर मैं उनको बता सकता हूँ कि किस तरह से चलना चाहिए और मैं ना बता पाऊँ तो यार मुझे खुद गन अच्छा फील नहीं होता तो इसीलिए मैंने देखा कि जब मैं हूँ यूट्यूब पर और ढेर सारी जनता को बता सकता हूँ तो क्यों ना सही अप्रोच बताने की कोशिश मैं भी करूँ किस तरह से चलना चाहिए सो दैट कि एनी वन इज़ अनगाइडेड एनी वन इज़ इन रिमोट एरिया जहां पर उसके पास नहीं है पहुंच वो नहीं जानता एक्जैक्टली exactly कौन सी बुक यूज करे उसका टाइम ना वेस्ट हो जाए मैंने कोशिश की चलो मैं भी एक बार अपनी तरफ से बताता हूं समझ रहे थैंक यू सो मच है ना तो ये बात है अब आप लोगों को कुछ भी होना फ्रोमीर इन बी एस सी लाइक सम बेसिक्स इन इलेवन टूर्ती हम बिल्कुल कर सकते हैं अनवस्थी और देखिये मैं तो आपके लिए सोलविंग ला रहा हूँ सोल्विंग में डिस्कशन में आ सकते हैं एम एस चौहान अल्टीमेट बुक वन ऑफ द मोस्ट अल्टीमेट बुक है ना एंड uh, uh, जो ये है एन अवस्थी है भाई उसकी सॉल्विंग ला रहा हूं आगे इनऑर्गेनिक की भी सॉल्विंग लाऊंगा तो आप इस आप ही लोगों के लिए तो है मैं अपना टाइम डेडिकेट ही इसीलिए कर रहा हूँ हाँ बिल्कुल क्वेश्चन लास्ट क्लास मैंने पहले जब एम एस चौहान का की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें मोहन मैंने बहुत सारी बातें डिस्कस की और फिर सॉल्विंग स्टार्ट कर दी थी उस क्लास में अब कंप्लीटली हर क्लास में बस क्वेश्चन का डिस्कशन मुझे करना है आप अपने डाउट्स डाल सकते हो कमेंट बॉक्स में आकर के हाँ क्वेश्चन करवाएंगे और क्वेश्चन में जो आपके डाउट्स आएंगे वो करेंगे हम ठीक है मैं रोहन मुझे टेंथ बोर्ड में नाइन्टी सिक्स परसेंट लाना है आईसीएससी बोर्ड से हूँ तो आप बताइए कि मैं कैसे पढ़ूँ प्लीज आ, देखो दोस्त नाइन्टी सिक्स परसेंट टेंथ में आईसी एस सी बोर्ड से मुझे तो लगता है कि आप एक प्रॉपर जो भी आपके जो पास जो नोट्स है उसके रिविज़न आप प्रॉपर करो प्रॉपर रिवीजन करो अभी जो टाइम है आप तो बोर्ड के पास पहुंच रहे हो बोर्ड पर ना मैंने बोर्ड पर एक काम करते हैं जो बच्चे पास आउट है ना आईआईटी से एक बच्ची एक एक बहुत ही प्यारी सी बहन है मेरी वो प्रकृति उसका आप देखोगे एक वीडियो भी लगा हुआ है यंग जीनियस अमंग अस करके उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें है बॉम्बे की बताई भी थी तो स्कूल टॉपर उसे बुलाते हैं बोर्ड से रिलेटेड ना आप सारी बातें एक दिन उससे पूछो मैं बोर्ड का सेशन लगाता हूं पॉइंट टू बी नोटेड एक किसी बच्चे ने बोला था वो बात कि रोड मैप जे ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए जे ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए जे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए है ना तो रोड मैप बताओ सर आज से दो साल बाद अगर अगर हमें पास करना है जे एडवांस तो क्या करें तीन साल बाद करना है तो क्या करें तो रोड मैप नोटेड है फिर आप पूछ रहे हो आप पूछ रहे थे वो क्या पूछ रहे थे एक देख लूँ

बायो रिव्यू यस बायो रिव्यू वॉज पॉइंट यार आओ तो मैं लिख लू फटाफट पड़ गाइस है सजेशन्स हैं आपके आपके सजेशन्स लिख रहा हूं मैं आपके सजेशन्स हैं। क्या क्या है टॉप पर मैं रख रहा हूं भाई वो बायो रिव्यू को है ना इसके अलावा किसी ने बोर्ड्स के लिए बोला है सर बोर्ड के लिए बता दो बोर्ड्स के लिए बोर्ड्स के लिए सेशन बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स के लिए सेशन मैं सजेशन आपके नोट कर रहा हूं आप चैट बॉक्स आप आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर डालो और क्या बताया आपने और किसी ने बोला था के? क्या था दोस्त एक बोर्ड्स वाला था और क्या था मैं भूल रहा हूँ फिर बताओ दो कुछ अच्छा सा आपने बोला था आह माइंड से निकल गया बोर्ड्स के रोड मैप हाँ रोड मैप फॉर नीट जे और फ्यूचर के है ना नीट जे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फर्दर आगे के मैं और भी लाऊंगा मतलब कि 2021 के भी बना सकते हैं रोड मैप भी लाते हैं रोड मैप इससे क्या होगा फायदा होगा लोगों को है ना लोग जो जो इस तरह से जो है वो अपने रोड मैप के अकॉर्डिंगली चल सकते हैं है ना यस yes. ठीक है नाइंटी फाइव प्लस इन ट्वेंटी टू टेंथ बोर्ड बिल्कुल श्योर है मैंने नोट कर लिया कुछ और है तो बताओ सजेशन आर मोस्ट वेलकम विच बुक इज बेस्ट फॉर आयु क्यू सी प्लीज टेल तमिल इफ यू आर यू आर एमिंग फॉर विच आई यू क्यू सी फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी नो बुक जस्ट गो एंड डू द प्रीवियस ईयर विच विच आई यू क्यू सी यस 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 बिल्कुल हाँ और बताओ हाँ आई थिंक दैट के यस आई विल क्रिएट एन अवस्थी का भी टेलीग्राम ऑब्वियसली एंड फ्यूचर जो भी आगे सीरीज है उसमें मैं पक्का लिंक डालूंगा ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ओ हो तमिल सर्किट तमिल सर्किट जस्ट गो एंड वॉच माई यस्टरडेज वीडियो फॉर फिजिकल केमिस्ट्री यस्टरडेज वीडियो फॉर फिजिकल केमिस्ट्री एंड बुक रिव्यू सीरीज इज गोइंग ऑन बुक रिव्यू सीरीज चलेगी बिकॉज के न्यू सेशनिंग सो आई वॉन्ट दैट रिव्यू सीरीज शुड बी देर सो दैट के एनी स्टूडेंट इज कमिंग फॉर द न्यू सेशन उसे पता हो कि आगे वन ईयर में उसे कैसे पढ़ना चाहिए फॉर फॉर नेक्स्ट टू ईयर हाउ ही शूड प्रीपेयर ही शुड प्रिपेयर एंड फॉर नेक्स्ट थ्री ईयर हाउ ही सब कुछ यहां पर सारे बुक सीरीज के रूप में एंड ऑल्सो एज अ रोड मैप सब सब यहां पर वीडियो के रूप में होगा तो प्लीज वॉच एक्स कॉम्बो। सिलेक्टिव कॉम्बो। साथ साथ पार्ट कराऊंगा कौन से पार्ट पढ़ने चाहिए और उसके साथ पैरेलली फिर जो है मैंने बताया था कि आप यूनिवर्सिटी अवस्थी को एज अ बुक रख सकते हैं सॉल्विंग बुक है ना पी केवीपीवाई के आई थिंक दैट के निधि मैम विल डू बेस्ट फॉर इट बट केव पे आई भी नोट कर लिया मैंने कुछ और भी सजेशन है नहीं तो चलते हैं अभी बहुत बहुत ज्यादा भूख लगी है और फिर आपके सजेशन आप इसी तरह से भेजते रहो ठीक है लव यू सो मच अभी चलते हैं गाइस आप कमेंट सेक्शन में डालो जो भी डिमांड है आपकी पुट योर डिमांड्स जितने भी डिमांड्स है सब 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 एडअप करो डिमांड्स इन कमेंट बॉक्स प्लीज एंड लव यू ऑल अभी चलते हैं ठीक है चलो लव यू ऑल जो स्पेशल स्क्रीन पर आना चाहिए सो गाइज लव यू ऑल बाय टेक केयर ऑफ़ फॉर टू मी सो 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 पीसफुली। चलो लव यू कमेंट बॉक्स में जरूर डालो सो so दैट के मैं जो है सारे कमेंट्स को इंडिविजुअली देख करके फिर आपको बहुत अच्छे से बता सकूं। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड अफेक्शन गाइस लव यू सो मच